नाजरीन द लोकल जर्नलिस्ट हेडलाइंस में आप सबों का खैर मकदम है। मैं हूं शमसुद्दीन। आज की 20 अहम खबरें। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के दौरान तुर्की में तुर्की की मशहूर खातून इमिनी अर्दगान से की मुलाकात। डॉक्टर कफील खान को नहीं मिली राहत। दिल्ली में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी। गणेश पूजा के दौरान नहीं लगेगा पंडाल। मरकज की गाइडलाइन के बाद DDMA ने गाइडलाइन जारी की। जम्मू में गौ रक्षकों की गुंडागर्दी। बाप और बेटे की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। फेसबुक का मुस्लिम मुखालिफ पैगाम हटाने से साफ इनकार। CM ममता बनर्जी ने रेड रोड पर तिरंगा लहराया और COVID-19 के 25 वॉरियर्स को एजाज से नवाजा। 3 बार एग्रा कॉन्स्टिट्यूंसी से रह चुके तृणमूल MLA समरस दास की कोरोना से हुई मौत। CM ममता बनर्जी ने किया गम का इजहार। ट्रंप के इनकार के बावजूद ईरान के साथ सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में रूस की तजवीज बरकरार। रूस ने वैक्सीन तैयार कर लिया, मुल्क पापड़ बेच रहा है, संजय रावत का बयान। एयर इंडिया ने रातों रात 50 पायलट्स को मुलाजमत से बाहर निकाला। सऊदी अरब हरिमैन शरीफैन के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अहदों पर 10 खवातीन को मिला जगह। लखनऊ में हूँ, गिरफ्तार करो हिम्मत है तो। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने दिया UP हुकूमत को चुनौती। UAE का इसराइल के साथ समझौता मुसलमानों के साथ गद्दारी है, ईरान। वजीर आजम मोदी की बुजदिली की वजह से चीन हमारे सरजमीन पर काबिज है, कांग्रेस MP राहुल गांधी का बयान। स्पोर्ट्स अपडेट, धोनी के बाद सुरेश रैना ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया। धोनी मुझे पहले नज़र में खास लगे, सचिन तेंदुलकर का बयान। बार्सिलोना को 74 वर्षों में शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। बायरन ने 8-2 से शिकस्त दी। रूसी मैच के दौरान रेड कार्ड दिखाने पर रेफरी की पिटाई। कोरोना अपडेट्स, मुल्क में कोरोना से अफेक्टेड लोगों की तादाद 26,48,353 के पार। रिकवर 19,20,217। द लोकल जर्नलिस्ट की कोरोना वायरस से बचने की मुहिम। व्यूअर्स और देशवासियों से द लोकल जर्नलिस्ट की अपील, ताकि हम रहें महफूज और पूरी तरह सेफ। कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ अवेयरनेस ज़रूरी है। कोरोना वायरस से दहशत ज़्यादा ना हो, ना घबराएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, गैर ज़रूरी सामाजिक, कारोबारी, मजहबी, खेलकूद के प्रोग्राम में ना जाएं, लोगों से मिलते वक्त हाथ ना मिलाएं, कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, अपने इलाके में सफाई का ख़ास ख्याल रखें, चेहरे पर मास्क लगाएं, हाथ को सैनिटाइज़र से अच्छी तरह वॉश करें। अगर आप खुद को बीमार, खांसी, बुखार या सांस लेने में दुश्वारी महसूस करें तो फौरन हेल्थ सेंटर और डॉक्टरों से कांटेक्ट करें। ऐसा करने पर आप भी पूरी तरह सेफ रहेंगे और दूसरों को सेफ रखने में मदद करेंगे।